हो गई है। राजद की तीन, बीजेपी और जेडीयू के दो दो उम्मीदवार जीते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सभी प्रत्याशियों ने विधानसभा में जीत का सर्टिफिकेट ले लिया है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, राजद के एक उम्मीदवार पर हार का खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि कम से कम 31 विधायकों का जो मत समर्थन है वो उन्हें चाहिए था, तभी वो एक उम्मीदवार जीत सकता था। और ऐसे में राजद के जो तीसरे उम्मीदवार है उस पर हार का खतरा मंडरा रहा था। जेडीयू और बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत हुई है, और आरजेडी के भी दो तीनों जो उम्मीदवार थे, तीनों प्रत्याशी थे, कारी साहब, मुन्नी देवी और अशोक पांडे, तीनों के निर्विरोध जीत हुई है। तीनों प्रत्याशियों ने विधानसभा पहुंचकर जीत का सर्टिफिकेट ले लिया है। चलिए खबर पर अधिक बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध ठाकुर हैं। निषेद, बीजेपी और जेडीयू की तो जीत पक्की थी, लेकिन राजद की जो जीत हुई है तीनों प्रत्याशियों की, ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल शर्मिला, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो सातों एमएलसी कैंडिडेट थे, चाहे एनडीए की बात करें या फिर विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की, तो वो सातों कैंडिडेट निर्विरोध जीते, क्योंकि आठवां कोई कैंडिडेट चुनावी मैदान में नहीं उतरा। साथ ही साथ एक जो प्लस पॉइंट राष्ट्रीय जनता दल के तीसरे कैंडिडेट को मिला है, वो किसी विधायक का सपोर्ट है। निश्चित तौर पे अगर किसी विधायक का सपोर्ट तीसरे कैंडिडेट को नहीं मिलता तो राष्ट्रीय जनता दल के तीसरे कैंडिडेट का जीतना नामुमकिन था। और अब किस विधायक ने उनको वोट दिया, किस विधायक ने अपना समर्थन दिया, ये किसी को नहीं पता है। वो कांग्रेस पार्टी के भी विधायक हो सकते हैं या फिर AIMIM के भी विधायक हो सकते हैं। AIMIM के विधायकों की भी नजदीकियां इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल से बढ़ रही थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि उनके भी कोई विधायक उनको सपोर्ट कर सकते थे। और बीच में खबरें ये भी चल रही थी कि अब AIMIM के कई विधायक राष्ट्रीय जनता दल में भी आने वाले, यानी राजद का दामन थामने वाले हैं। तो इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो पार्टी भी मदद कर सकती थी, और क्या पता उस पार्टी ने भी उनकी मदद की हो, जिसके बाद तीसरे कैंडिडेट की जीत पक्की हुई। साथ ही साथ जो उनकी सहयोगी पार्टी थी कांग्रेस, उसके भी किसी विधायक ने ना जाने वोट किया हो, या अंदाजा लगाया जा रहा है, कंफर्म हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब तक इन दोनों पार्टियों के किसी विधायक ने वोट नहीं दिया होगा तब तक राजद के तीसरे कैंडिडेट की जीत नामुमकिन थी, क्योंकि संख्या बल राष्ट्रीय जनता दल के पास उतना नहीं था। हालांकि बीजेपी और जेडीयू के पास जो संख्या बल था उसके आधार पर उन्होंने अपने दो दो उम्मीदवार उतारे थे, और उनका जीतना लगभग तय था, पूरी तरीके से उनको नहीं हराया जा सकता था। लेकिन राजद के तीसरे कैंडिडेट के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली थी। अब किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ने मैनेज किया है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब और नेताओं के बयान सामने आते हैं। लेकिन प्रयास यही लगाया जा रहा है कि इन दोनों AIMIM या फिर कांग्रेस पार्टी, इन दोनों ही पार्टी के किसी विधायक ने राजद की मदद की, जिसका नतीजा हुआ कि उनके तीसरे कैंडिडेट को भी आसानी से जीत मिल गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।